काठाफोड़ के वार्ड क्रमांक 11 में महिलाओं ने शराब दुकान का विरोध किया, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों ने थाने पहुंचकर ज्ञापन दिया। वार्ड की महिला अन्नु खान एवं शाहिन चिश्ती ने पत्रकारों को बताया कि वार्ड में जिस जगह पर शराब दुकान संचालित की जा रही है वहां पर समीप ही कब्रिस्तान है। मस्जिद में जाने का रास्ता होने के साथ ही शराब दुकान के समीप सामुदायिक भवन भी है, पास ही मदरसा भी संचालित किया जाता है, छोटे बच्चों का भी आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर शराब दुकान होने से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि शराब दुकान के पास ही आंगनवाड़ी भवन भी है। दूसरी और वार्ड क्रमांक 11 में संचालित होने वाली शराब दुकान के विरोध में वार्ड वासियों ने थाना परिसर में पहुंचकर थाना प्रभारी काटाफोड़ के नाम ज्ञापन दिया। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। 11 नंबर वार्ड में रहते हैं हम सब लोग। मस्जिद है, जामा मस्जिद, मदरसा है, कब्रिस्तान है, कलाली नहीं खुलना चाहिए, हमें आपत्ति है। नमाजी लोग आते हैं जाते हैं, रास्ता भी है। हाँ, हमारे वो जुम्मा सदर के यहाँ के पूरा परिवार रहता है, वो भी जाते हैं नमाज पढ़ने, आना जाना, बेवड़े उन रोक लेते हैं रास्ते में। और लेडीज कोई प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर रहेंगी तो हमारा कब्रिस्तान भी है पास में, और हमारा भवन बन रहा है शादी ब्याह का, मोमिडन मोहल्ला है, मदरसा है, मस्जिद है हमारी, बच्चों छोटे बड़े लेडीज जेंट्स सब पढ़ते हैं वहाँ, छोटे मासूम बच्चे, आंगनवाड़ी है। हाँ, उधर कलाली का खुलना नहीं चाहिए, कलाली के लिए हमको ऑब्जेक्शन है कि वहाँ नहीं खुलना चाहिए कलाली का, कोई भी उधर जैसे नहीं होना चाहिए। संबंध में दिया ज्ञापन, ज्ञापन आज काटाफोड़ थाने पे नगर काटाफोड़ के वार्ड क्रमांक 11 में शराब की दुकान खुली हुई है, जिससे मुस्लिम महिलाएं हेडपम्प पर पानी भरने जाती हैं और शराबी लोग वहां पर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि वो दुकान दूसरी जगह मतलब गांव के बाहर संचालित हो। मुस्लिम महिलाएं भी यहां पर थाने पे आना चाहती थी, पर रमज़ान का माह चल रहा है इसलिए वो घर के कुछ कामों में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाई, और सारे जो भी हैं नगर के मुस्लिम समुदाय के लोग वो यहाँ पर थाने पर आए और ज्ञापन दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।